इसने जो मुझे बात बताई है ना दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। वो बात जितना डिस्काउंट लग रहा था ना, ओए उतने में तो मैं पूरी कंपनी खरीद लेता। तो इससे कोल्ड वाली भी बन जाएगी। हाँ हाँ, इसको बस वैसे वो डाल के ऐसे खोलते ऐड आती है। और अगर आपको कभी ऐसे कमाक्षी की तरह डिस्काउंट मिले कंपनी से, तो इक्विटी खरीद लीजिए, 50% इक्विटी मिल जाती है। गुड मॉर्निंग व्लॉग, आज का दिन स्टार्ट कर रहे हैं ब्यूटीफुल ट्यूजडे। नाश्ते में पता नहीं क्या है, बीवी काफी देर से किचन में लगी हुई है। लेट्स फाइंड आउट। गुड मॉर्निंग व्लॉग। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज हैपनिंग? सैंडविच। कौन सा सैंडविच चाहिए? वेजिटेबल सैंडविच। तो ये दो तरीके से क्यों बनाया जा रहा है? दो तरीके से मतलब? ये किस में बनाया जा रहा है? पॉर्पेट वाले टोस्टर में? पॉर्पेट तुम्हारा, मेरा। ओके। यस, तुमने तो पसंद नहीं करा, ऐसा पसंद नहीं। मैं ऐसे भी खा लेता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्पिट वाले टोस्टर ओनली इन गिने चुने सर्कमस्टेंसेस। ऑर्पिट वाले टोस्टर में वो आलू का मसाला होता ना, वो वाला सैंडविच बहुत पसंद है। यस, और इसके अंदर वो आलू के स्लाइसेस काटे हो तो। ओके व्लॉग। यस चलो, अब आ रहे 5 मिनट्स में बस। कौन सा सैंडविच चाहिए? वेजिटेबल चीज सैंडविच। ओके, और एक तुम्हारा पिज्जा सैंडविच, उसमें वो डाल दूंगी। पिज्जा सैंडविच? हां वो डालूंगी। ओके यस, ये डलेगा ये। चलो ओके। यस चलो, वेट करो। हां जी, सैंडविचेस टेस्टी यम्मी। तो टेस्ट करो ना, तब बताओगे ना। नहीं, देखने में आपने बना दिए वही अच्छी बात है। ओए हो, क्या बात है। इसमें अब एक में चीज, ये वाला पिज्जा वाला है ग्रिल्ड चीज। ग्रिल्ड चीज और ये विदाउट ग्रिल्ड चीज। एक्चुअली यस, दिस इज ग्रिल्ड चीज, दिस इज पिज्जा सैंडविच। कंफर्म कर लिया? पक्का पक्का। चलो अपना भी ले, चल नाश्ता करते हैं। नहीं, केचप नहीं चाहिए, इतने सारे उसके साथ केचप क्यों चाहिए होगी? इसमें तो फीका लगेगा। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी डाल के रखाते हैं। ठीक, ये एकदम देखो यम्मी यम्मी से सैंडविचेस बनाए हैं। सुबह सुबह मजा आता है जब सुबह सुबह ना ऐसे ब्रेकफास्ट बेड में मिल जाए ना। BNB का कॉन्सेप्ट भी तो यही होता है। मुझे ना पता नहीं था इस टर्म को BNB बोलते हैं, ब्रेकफास्ट इन बेड। तो जब Airbnb आई, बहुत सालों पहले की बात है, तब ऐसे ही बस कुछ गूगल करते हुए पता चला इसको ब्रेकफास्ट इन बेड बोलते हैं। एंड आयरॉनिकली हम लोग आजकल Airbnbs में ज़्यादा रुकते हैं जब हम लोग शूट पे होते हैं, ऑफिशियल ट्रिप्स पे होते हैं, वर्क ट्रिप्स पे होते हैं, और वहाँ पे कभी भी ब्रेकफास्ट इन बेड नहीं मिलता। मैं ये बता रहा था, जब हम लोग BNBs में जाते हैं, Airbnbs में, वो उनका तो नाम ही एयर ब्रेकफास्ट इन बेड है, वहाँ कभी ब्रेकफास्ट इन बेड नहीं मिलता। हाउ आयरॉनिकल। चलो अपना खाना भी ले आओ, देन विल स्टार्ट। तुम्हारा कैसा लग रहा है सैंडविच, दिखाओ। मैं थोड़ा अपना ज्यादा वो को जला हुआ पसंद है। करारा ज्यादा कर दिया? नहीं नहीं, जान के दिया। नाइस, आई लाइक करारा। ओके, माय खस चीयर्स विद योर कॉफी। चीयर्स। ओके, माय खस चीयर्स विद योर कॉफी। चीयर्स। चीयर्स। हेलो। हाँ जी, अनबॉक्सिंग टाइम। इसने कुछ कमेक्शन मंगवाया है, अभी खोल के दिखाऊंगी, अभी नहीं बता रही। ठीक है, आप इसको अनबॉक्सिंग करो, तब तक यहाँ पे हमारा डेटा कॉपी हो रहा है। आज एक हार्ड डिस्क, दो हार्ड डिस्क, तीन हार्ड डिस्क, एक SD कार्ड, दो SD कार्ड, कैमरा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक बड़े मेन हार्ड डिस्क में एक और हार्ड डिस्क, 5-6 हार्ड डिस्क एक दूसरे से बात कर रही है, पूरा दिन आज इसी में लगेगा। मेन वायरलेस का डब्बा खुल गया, देखे क्या है। ओके, सही है ये? अभी खुलेगा तो पता चलेगा। असेंबल भी करना पड़ेगा। आईकिया से मंगवाया? सही, आईकिया नहीं है, आईकिया की कॉपी। आईकिया की कॉपी, चलो ठीक है। गाइस, ये LG वाला मॉनिटर जो है वो तो बहुत ही, मतलब जब ये एक बार मेरा डेटा कॉपी हो जाएगा ना, तो आपको उससे दूसरे कैमरे से बताऊंगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़े ढीले लोग हैं LG वाले, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करी, मॉनिटर ख़राब हो गया, वो फ़ोन करके बोल रहे हैं सर आपकी मशीन में क्या दिक्कत है, वो प्लग उसका जा। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल LED नहीं है, चूड़ी वाला है। हाँ, पर LED ही है। आई वाज थिंकिंग वो हैलोजन ना हो, वो बहुत बिजली खाते हैं। उसके साथ ये सब दिए हुए स्क्रू वगैरह, ये सब असेंबल करने के लिए काम छा। मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ कोई नहीं, मैं अच्छा खासा इसके 3-4 कॉफी की फीस लूंगा। ठीक, क्या टेबल लैंप मंगवाया? यस। ओके, तो ये ऐसे कैसे है, मतलब अभी बता।
वेजी वेजी स्टाइल अनबॉक्सिंग कर रहे हो आप, कुछ भी अनबॉक्सिंग पर वो तो ट्रैवलिंग वेजी अनबॉक्सिंग करते हैं इंसान तो है ही। भाई ये जो है ना ये प्रोडक्ट में थोड़ा दिक्कत है, प्रोडक्ट ये देखो लकड़ टूटी हुई है, लकड़ यहाँ से टूटी हुई है और यहाँ से इसकी कीलें जो है एक्सपोज हो रही है, जिससे थोड़ा सा खतरनाक सा मामला हो सकता है। सो वी हैव टू रिटर्न दिस प्रोडक्ट। सो नाउ वी आर रिटर्निंग दिस प्रोडक्ट। ऑल दो ये मेरे को ना वैसे भी थोड़ा सा ना इसकी इतना वो नहीं लगा, ये हाँ फिनिश बहुत कम लगी मुझे इसकी फिनिश। हाँ ऑनलाइन ना अब वो उन्होंने पता नहीं फोटोज में नहीं पता चलता ना फिनिशिंग वगैरह, फोटोज में बहुत अच्छा लग रहा होगा, साइज तो ऑलमोस्ट आ गया था, बट ये जो है ना ये कील कभी भी ऐसे चुभ सकती है। हेलो क्या चल रहा है? ब्लॉक पुलिस आई है आज, पापा जी ब्लॉक पुलिस आई है। अरे मैंने कहा यार पता नहीं क्या करी जा रही है, बच्चे हैं नहीं घर पे, कुछ बनाई जा रही है कितनी देर से। जो वो बना क्या बनाया? ओ पिनिया कितनी सारी। ये तो सर ये तो वो देसी घी मूंग दाल वाली है ना ये। हां देसी घी का रेजिड्यू बच जाता है, हम गर्मियों में फिर इसका मूंग साबुत दाल को पीस के, नट्स ज्यादा नहीं डालते गर्मी है ना, तो बस ये ऐसे बना लेते हैं, बहुत टेस्टी बनती है सिर्फ मूंग साबुत दाल की। हाँ भाई ये गर्मियों में खाने वाली है। गर्मियों में खाने वाली है, इसमें वो नट्स वट्स ज्यादा नहीं डालते, बस सुबह जब हम लेते हैं हर्बल ड्रिंक उसके साथ एक पिन्नी छोटी, और इसका साइज भी छोटा रखते हैं, कभी हाफ ले लेते कभी एक डिपेंडिंग। तो ये मैंने कल फिर सर्दियों में बड़ी साइज की बनती, गर्मियों में छोटे साइज की, और इसमें नट्स भी कम होते हैं और फिर वो चीजें नहीं होती जो गर्म होती हैं, वो नहीं होती सर्दियों में, गर्म चीजें डलती हैं, कुछ नहीं होता। हाँ तो आज मैंने दाल भी गोई थी एक्चुअली। ओके तभी मैं कहती देर से पता नहीं क्या बनाई जा रही है, मैं मूंग दाल का ना वेरिएशन सोच रही थी क्या बात आ रही थी, क्या बनाया? ये तो इसकी ऐसी इडली सी बनाई है और उसको तड़का लगा दिया, मूंग दाल इडली नए तरीके का नाश्ता, इसमें दही वही कुछ नहीं है, सिर्फ ना सूजी भी नहीं है, हाई प्रोटीन नाश्ता। और ये कुछ बनाया था जो फ्लॉप शो हो गया, कोई बात नहीं, तो इसको मैंने ऐसे तड़का सा लगा, अरे ये भी इडली सुंदर है, कोई बात इसको ये ढोकला टाइप सा कुछ बना दिया। ओके और ये फिर दो छोटे छोटे बच गया था ये, तो इनके चीले बना दिए, मिनी उत्तपम बना दिए, और ये बढ़िया मूंग दाल इडली, ठीक है सब कुछ, सारी दाल की है प्योर, ठीक है प्योर प्योर, ठीक है ना, प्रोटीन हाई प्रोटीन नाश्ता हो गया, पर ये बढ़िया यार, ये थाल देख के ना ऐसे मजा आ जाता है, दिखाओ यार एक बार थाल देखो ऐसे देख के ना दिल खुश हो जाता है, वेरी गुड ओके थैंक यू। क्या बोला तूने? मैं आपको कभी कॉफी बना के नहीं बुला सकता। मैंने तेरे को क्या बोला? कामाक्षी को बुला के ला। वो आ रही है वो। ठीक है भाई। मैंने तेरे को बोला था कामाक्षी को बुला के ला। आ गई। कामाक्षी इज हियर इन द हाउस। यस। कामाक्षी द रोस्ट ऑफ कामाक्षी। इधर खड़े रहो तुम्हें जाने। दिस फेलो इज सेइंग पापा जी मैं आपको कॉफी बना के पिला दूं। अब मुझे क्या जवाब देना चाहिए बेटा? Tell him not to ask me कि मैं कॉफी बना के मिला दूँ। अच्छा कि मैं आपको कॉफी बना के मिलाऊं? नहीं मेरे हाथ से कॉफी नहीं। ओके थैंक यू। मेरे को कामाक्षी ही बना के बुलाएगी। थैंक यू वेरी मच। नहीं मैंने नहीं पीनी बेटा। मेरे को आके बोला पापा मेरे लिए वो बना रही, मैं आपको क्या, मैंने नहीं पीनी, उसको बुला के ला। आज हम रिवर्स कर रिवर्स कर रही थी मेरे धन में नहीं। क्या चल रहा है? मेरे सारे ऑर्डर आ गए। क्या ब्लूटूथ का मुकाबला रखा है? मेरे को डिस्काउंट मिल रहा था बहुत अच्छा, तो मैंने अब कॉफी तो पीते ही है ना। हाँ। तो अपनी भी मंगाई फिर तुम्हारी भी मंगा दी सेधार गुल्लू। अच्छा वेरी नाइस। दिखाओ ये कॉफी है ये? यस। तो वो क्या है? वो तो डब्बे अलग लग रहे हैं, ये अलग लग रहे हैं, और इतनी हाँ। सारी कॉफी मंगवाई है तो थोड़ा तो डिस्काउंट लग रहा था। हाँ। इसलिए फिर कॉफी मांग थोड़ा। इसने जो मुझे बात बताई है ना दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता वो बात, जितना डिस्काउंट लग रहा था ना वो उतने में तो मैं पूरी कंपनी खरीद लेता। उन्होंने मेरे को स्पेशल कूपन दिया था ना, उन्होंने इसको इतना स्पेशल कूपन दिया कि आप आओ मेरी पूरी कंपनी खरीद लो, कॉफी के दाग नहीं जाते। नहीं अभी पकी हुई कॉफी, ये आर्टिकन स्टेट कामाक्षी पीती है, उसका ये होता है। अब कामाक्षी दूध वाली कॉफी पीती है ना, तो वो मीडियम डार्क रोस्ट पीती है, और मैं बिना दूध वाली पीता हूँ ना, तो ये वाली है लाइट रोस्ट। सेथार गुंदू क्योंकि वो जो डिस्काउंट दिया ना उन्होंने कामाक्षी समझ के दिया, पता नहीं क्या भाई। कामाक्षी आई यूज कैंची चाकू, ओ सॉरी आई डोंट यूज कैंची चाकू, बट द वे आई ओपन, रुक जाओ लेट मी ओपन अ डब्बा।
ये छोटा साइज लिया तूने उसका? सेम साइज है। ओके ओके वेल दैट्स कूल। ठीक है ये तुम्हारे लिए। ये तो बहुत ओवरप्राइज्ड नहीं होते? ओ बट इसको तो कमाची डिस्काउंट मिला है। ओके तो इससे कोल्ड वाली भी बन जाएगी? हाँ हाँ इसको बस वैसे वो डाल के ऐसे खोलते ऐड आती है। बेसिकली करना डिप गरम उसमें ही पड़ेगा तुम्हें, बट ये कि उसमें आइस ही तो डाल दो, बर्फ बर्फ का डाल दो। मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ मैं उनको बोलूंगा भैया एक बर्फ की बकेट दे दो, क्योंकि ना ये इतनी गर्म होती है तो आधी बर्फ की बकेट जो है पहले तो इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लाने लगेगी, बाकी आधी बर्फ की बकेट इसको ठंडा करना। बहुत बर्फ डलती है आइस एकदम गर्म से एकदम। पर दिस इज वेरी कन्वीनियंट ना व्हेन ट्रैवलिंग, या कभी मन नहीं कर रहा बनाने का, दो मिनट वेट। सिथार गुंदू, सिथार गुंदू। अच्छा ये भी खोलो, इसमें भी तुम्हारे लिए। नाउ सी व्हाट इज देयर इन दिस, नाउ सी व्हाट इज देयर इन दिस। एक ओए डेलिकेट। हां नहीं अच्छा नहीं है, आई थॉट इट्स ग्लास बट इट्स नॉट। कोल्ड ब्रू के कैंस भी मंगवा लिए? या ये बहुत टाइम से ट्राई करने थे पर हम कभी नहीं मंगाते थे ना कोल्ड ब्रू लाइट रोस्ट। उसको डिस्काउंट मिल रहा था उसने मंगवा लिया, बट ये आई फील इज वेरी ओवर प्राइस्ड। मतलब हम लोग ब्रू कैफे जाते हैं या किसी भी कॉफी वाली दुकान पे जाते हैं, एक अच्छी कॉफी का कप आता है बिटवीन 200 टू 250 रुपीस ऑन एनी गिवन डे। तो ये भी उतने का है एंड दिस इज आल्सो सेम बट इट्स गुड। मेरी इससे ये शिकायत है कि ऑलरेडी बना हुआ है। बट कोल्ड ब्रू का पॉइंट यही होता है कि वो ऑलरेडी तुम्हें 12-15 घंटे बना के रखनी होती है। देखो ना मैं कॉफी प्योरिस्ट हूँ ना मुझे कॉफी के अखड़े मखड़े पता है, मुझे इतना पता है कि एक मैं बाजार से नेस्कैफे लेके आता हूँ वो बड़ी बनाई होती है, इसकी ये कॉफी प्योरिस्ट वाले लोग बुराइयां करते हैं, और ये ऑलरेडी बनी हुई है ये सेम रेट पे मिल रही है, वो जो कैपेचिनो या पोर ओवर है वो फ्रेश बना के दे रहे हैं और दोनों सेम रेट पे, मेरे को अजीब सी लगती है। हाँ हाँ ओके बट दिस इज टू ट्राई ना, तुम्हारे को पहले करना था ना एक बार ट्राई की, एक बार ट्राई करूंगा पर ये महंगी थी। पोर ओवर करो कोल्ड ब्रू एंड दिस इज सेम कप। वेल गाइस थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग दोनों के लिए एक एक। अब बंद करते हैं क्योंकि अगर आप पीछे फ्रेम में देख सकते हैं तो शायद एक आध और कॉफी के डब्बे भी हैं हमारे पास ये, सो वी विल जस्ट कट इट आउट हियर। ठीक है, और अगर आपको कभी ऐसे कमाक्षी की तरह डिस्काउंट मिले कंपनी से तो इक्विटी खरीद लीजिए, 50% इक्विटी मिल जाती है। कुछ नहीं कमाक्षी तरह को 50% इक्विटी या 25% प्राइस मिल जाती है। चलो ठीक है ओके ओके बाय बाय।